अजमेर अखिल भारतीय सिंधु संत समाज की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी ईश्वर मनोहर उदासी आश्रम अजमेर में प्रारंभ हुई। कार्यक्रम का प्रारंभ जगतगुरु श्री चंद्र भगवान एवं ओम के चित्र पर माल्या अर्पण कर दीप प्रज्वलित करके किया गया। संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री महंत श्याम दास उदासी जी ने बताया कि इस दो दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न संतों में कई विषयों पर चर्चा हुई, साथ ही धर्म प्रचार के लिए रथ यात्रा एवं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग पर चर्चा की गई। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी खिमियादास जी ने बताया कि इस संस्था में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस कार्यकारिणी में प्रमुख उपस्थित संत महात्माओं में प्रमुख महामंडलेश्वर हंसराम उदासी जी, सदाणी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल जी उपस्थित रहे। सभी संतों का स्वागत महंत स्वरूप उदासी जी ने किया। प्रारंभिक पूजन पंडित संतोष शर्मा ने करवाया। इस अवसर पर महंत हनुमान राम पुष्कर तीर्थराज, महंत कमलदास, संत हंसराम, श्री संत साहेब परमानंद सरस्वती जी, संत नारायण दास, संत गुलजार, महंत अर्जुन दास उपस्थित रहे। सेवा सत्कार में गौतम साई, गोविंद साई, भारतीय सिंधु सभा का राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र तीर्थानी, शंकर सबलानी, प्रकाश मूलचंदानी, लक्ष्मण दौलतानी, दीपक बलानी, घनश्याम दास, भगवान दास आदि सदस्य उपस्थित रहे। उपरोक्त जानकारी हरि सेवा आश्रम से प्राप्त हुई। हरिओम। अखिल भारतीय सिंधु संत समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 9-10 जनवरी अजमेर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में रखी गई। उसमें मुख्य मुद्दे हमारे सनातन संस्कृति सिंधु सभ्यता को लेकर थे और खास इस वक्त श्री राम मंदिर श्री अयोध्या धाम में जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसके विषय में। सबसे पहले तो इन पदाधिकारियों ने अपने मंडल के अखिल भारतीय सिंधु संत समाज से 21 लाख रुपए दिए हैं चेक द्वारा सब, और उसके बाद ये पूरे भारतवर्ष में जितनी भी गद्दियाँ हमारी लगभग 800 कुछ गद्दियाँ हैं पूरे भारतवर्ष में सिंधी समाज की, वो अपने अपने क्षेत्र में जाके अपने अपने भक्तों और अपने अपनी संगतों में ये करेंगे कि श्री राम मंदिर के लिए आपको जरूर निधि सेवा धन सेवा करनी है, क्योंकि ये जो 500 साल से हमारे पूर्वजों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी और सपने देखे, वो सपना हम लोग का सौभाग्य हो रहा है कि इस पीढ़ी को देखने को मिल रहा है। जो आज श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके लिए निधि संग्रह के लिए हम लोग चाहेंगे अपने पितरों के सपने को हम लोग साकार करें और ये श्री राम मंदिर जो बनेगा विश्व में एक सबसे बड़ा तीर्थ बनेगा और सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा। इसके साथ श्री राम मंदिर के साथ उसमें वाचनालय, भोजनशाला, अतिथि निवास, दर्शक दीर्घा, यानी राम मंदिर जो बनेगा ऐसे नहीं जैसे मंदिर में जाते हैं 15-20 मिनट में दर्शन किया आधे एक घंटे में निकल जाएं, वहां जो दर्शन करने आएगा वो ऐसा समझे कि कम से कम एक रात तो रुके, 24 घंटे तो उसको लगेंगे दर्शन करने में और वहां का दृश्य देखने में। इतना व्यापक और इतना सुंदर वो श्री राम मंदिर का पूरा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है।